अरे वाह, कल पेंसिल ले गई और आज कहती है कैसे पैसे, निकाल पेंसिल या पैसे, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। रानी रानी, पेंसिल मैंने ली थी, ये ले रुपया। मैं गंगा हूँ और वो जमुना है, बहुत गड़बड़ है। अच्छा हो तुम दोनों अपने माथे पर अपना अपना नाम लिख लो। क्यूरी सिंगापुर की छोकरी, भीख तू मांगती है, चोरी तू करती है और इल्जाम मुझ पर आता है। जमुना तू संभाल कर बात कर, मैं खानदानी लड़की हूँ, जेंटलमैन बाप की बेटी हूँ, खानदानी मैं हूँ, मेरी माँ और मेरी नानी जेंटलमैन है। पहाड़ में जाए तेरी अंग्रेजी, माँ नानी को जेंटलमैन कह रही है, लेडी कहते हैं लेडी। तू ही नाच अंग्रेजी को सिर पे रखकर, मैं हिंदी में एक्सपर्ट हूँ। हिंदी पंडित जरा बता, अपनी भाषा को मातृभाषा क्यों कहते हैं, पितृभाषा क्यों नहीं कहते? पितृभाषा मातृभाषा, पितृभाषा क्यों नहीं कहते? हाँ, क्योंकि अंग्रेजी में एटिकेट है लेडीज फर्स्ट, इसलिए पहले मात्र पीछे पितृ। बनती है हिंदी में एक्सपर्ट और लगाती है अंग्रेजी की रट, इतना भी नहीं जानती कि पहले बच्चे को बोलना कौन सिखाती है? माँ, माँ की भाषा बच्चे की भाषा, इसलिए मातृभाषा कहते हैं। भाभी को घर लिया दोस्त। नहीं महेश, ये कभी नहीं हो सकता। जिस घर को हमेशा के लिए ठुकरा दिया, किस मुंह से जाऊं उस घर में? मैं जाऊंगा इस थोबड़े से। अरे ये अंगूठी क्यों ले रहा है तू? अभी बताता हूं। ये क्या? राम भक्त हनुमान, सीता कैसे पहचाने? ये अंगूठी रही राम की निशानी और ये रहा हनुमान। किरण, ये अचानक क्या हो गया है तुझे? कल रात से खाना नहीं खाया और अब भी ऐसी बैठी है? तुझे आकर यहां किस बात की कमी है? दोस्त माँ की बेटी है जो लाखों से खेलती है। लाखों रुपए पति की जगह नहीं ले सकते माँ, पति के बिना पत्नी का जीवन उस मंदिर की तरह है जिसमें भगवान की मूर्ति ना हो। तेरे उस भगवान को भाग्य में 7-8 साल हो चुके हैं, मुझे तो उसे उसी दिन गिरफ्तार करा देना चाहिए था। मगर उस शेखर का बच्चा भी मुझे कहीं मिल जाए तो उसे पुलिस के हवाले कर दो, जेल भिजवा कर ही दम लो। पुलिस, जेल? भगवान ने तुम्हें किस मिट्टी से बनाया है? मेरा सुख लुट गया, मेरी गृहस्थी उजड़ गई, लेकिन तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला। कितने बरसों से मैं जेल की यातना से भी कठिन यातना भुगत रही हूँ और तुम उन्हें जेल भेजने की बात कर रही हो। तुम्हारे कारण वो मुझसे दूर चले गए। भगवान के लिए उनके बारे में कुछ न कहो, कुछ न कहो। चुप है। बस बस, तुम भी चुप रहो, हमेशा मम्मी के पीछे पड़ी रहती हो। क्या बिगाड़ा ही मैंने तुम्हारा, जब देखो मम्मी को सताती रहती हो। क्या बाप की तरह नाक खींच रही है और आंखें भी बाप की तरह दिखा रही है? अब माँ बेटी उसकी याद में बैठी फूल चढ़ाती रहो। जमुना, नानी से इस तरह नहीं बोला करते बेटे। क्यों ना बोलू, मेरे पिताजी को भगा दिए इन्होंने, अगर पिताजी होते तो मुझे भी खूब सिखाते। एक सिंगापुर की लड़की है मेरे स्कूल में, उसके पिताजी उसे लिखना पढ़ना नाचना गाना सब सिखाते हैं। मम्मी, मुझे भी पिताजी चाहिए। जमुना, जमुना, जमुना। महेश, ये सब क्या कर रहे तू? हाँ, ये हनुमान उस लंका से खुद ही चल के चला आया। मतलब? मतलब कुछ नहीं, ये पकड़ो अपनी अंगूठी। मैं गया था सीता को अंगूठी दिखाने और खुद का अंगूठा देखता हुआ चला आ रहा हूँ। तेरे सर तो नहीं फिर गया? हाँ, फिर गया मेरा सर। शेखर, अब हम इस देश को अंगूठा दिखा देंगे। हम उस देश में जाएंगे जिस देश में गंगा न बहती हो शेखर, जहाँ पति पत्नी का झगड़ा ना होता हो, और अगर होता हो तो फटाफट खत्म हो जाता। अच्छा हनुमान जी महाराज, ये तो बताओ हुआ क्या है? वो कलयुग की सीता। हाँ। रोते क्यों हा? मेरे राम को बनवास भेजना चाहती है। बनवास? तुझे जेल भेजना चाहती है, मैंने अपने कानों से सुना, उसकी माँ बोल रही थी। जेल भेजना चाहती है? जो थोड़ा बहुत बंधन था वो भी टूट गया, इसका मतलब माँ बेटे का दिल अभी तक बदला नहीं। बदलेगा कैसे, पैसों का जो घमंड है। शेखर, मेरी बात मान लो, चलो सिंगापुर चलते हैं। तो क्या समझता है औरतों से डर कर मैं भाग जाऊंगा? शेखर,
शेखर तू उधर घूर घूर के देख रहा है लेकिन डर मुझे लग रहा है। देख यार औरत का साथ तेरे भाग्य में नहीं लिखा। एक तो तुझे जेल भेज रही ये तुझे न जाने कहां भेज देगी। अरे तू भी पागल है। मैं पागल से लेकिन तू पागल मत बन। ये मेन का डांसर है डांसर। नहीं ये बहुत शरीफ है। जा तू अपना खाना पका। जा मेनका आप बहुत अच्छे नाचते हैं। गंगा को अपने से भी अच्छी डांसर बना दूंगी। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी गंगा को आप जैसी कला की देवी नाच सिखाने को मिली। माँ जी अगर आप मुनासिब समझे तो आप दोनों इसी घर में रहा करें। मेरा मतलब है आपको आने जाने की तकलीफ नहीं होगी और मेरी गंगा को मेनका जैसी देवी का साथ मिल जाएगा। हम आपका कहना कैसे टाल सकते हैं। और फिर गंगा भी तो मेनका को जान से ज्यादा प्यारी है। हम कल से यहाँ रहने आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मुझे आज्ञा दीजिए। राजा की आएगी बारा रंगीली होगी रात मगर मैं मिठाई लाना भूल गया। दूध दूध दही दोनों अच्छा मुटल्लो अब समझ में आया कि लोगों को इतना मक्का कैसे लगाती हो। मेम साहब ये बावर्ची खाना है कोई भैंसों का तबेला नहीं। अरे ज्यादा मक्का मत खा वरना फिसल के गिर जाएगी। चलो अबे भैंस का भैंस दे दे। क्या कहा नाश्ता बहुत सुंदर बनाया है। सच्ची फिर खोलो क्या मुंह मालूम होता है पिछले जन्म में तुम जरूर औरत हो गए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने लेकिन तुम्हारे साथ और चार दिन रहूंगा तो जानती हो अगले जन्म में क्या बनूंगा। क्या ये लेकिन तुम पिछले जन्म में जरूर भैंस होगी या फिर बकरसुर की बहन। अरे क्या बता रहे सोये के बच्चे आज से ये हमारा घर है। ए छोड़ मेरा हाथ। अब क्या मेरा हाथ खाने का रहा छोड़। नहीं नहीं मरेगा मरेगा चुपके से मरेगा। शेखर बाबू शेखर बाबू शेखर बाबू ये सोये का बच्चा मुझे। वाह 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 मैंने तो सिर्फ चमचा उठाया और कह रही मैं चमचे से मार रहा हूँ। चमची तू तो झूठ बोलने में चिनियों को भी मात कर गई। तेरी तो पैकिंग करके पिकिंग भेज देना चाहिए। अरे चिनियों को भाई मैं तेरा बंदर बनाकर चीन भेज दूंगी समझता क्या है। अरे मैं अभी जाके शेखर को बोलता हूँ। तू क्या बोलेगा शेखर। अरे जा सुबह शाम कपड़े बदल लिया करना। हाँ ओहो मम्मी तुम तो मुझे बिल्कुल बच्चे समझती हो। मैं और कहीं तो नहीं जा रही पिकनिक पे जा रही हूँ। होशियारी से रहना बेटी और देखो किसी से झगड़ना नहीं। झगड़ूंगी नहीं लेकिन किसी किस सुनूंगी भी नहीं। नानी की धोती हूँ। शाबाश जमना तू जरूर नानी का नाम रोशन करेगी। अच्छा बेटी ये चॉकलेट और बिस्कुट के डब्बे भी साथ लेती जा। अच्छा माँ इसे अकेले भेजने को मेरा जी नहीं चाहता। पिकनिक पर जा रही है। दिल बहलने के अलावा ज्ञान बढ़ता है कुछ सीखने को मिलता है। मम्मी ये फोटो ले जाओ। ये फोटो लेकर क्या करोगे बेटे। तुम्हारी याद आएगी तो फोटो को देख लिया करूंगी। जमना चलो बेटे तुम्हें देर हो रही है। संभल के जाना मुन्नी। पिताजी सबकी माँ आई है। मेरी माँ होती तो वो भी आती। मैं आई हूँ ना। आप माँ नहीं टीचर हैं। पिताजी मैं पिकनिक को जा रही हूँ और आपकी तबीयत ठीक नहीं कल तो ना जाऊँ। आज तो मैं अच्छा हूँ बेटी तुम शौक से जाओ। लो भूल गई बख्शीश। टाटा टाटा। Thank you.
ना मम्मी? बेटे मैंने जो कुछ समझाया वो याद रखना। हाँ अच्छा टाटा। अरे ये तो लेते जाओ। तुमने रुमाल गिरा दिया बेटी, ये ले। शुक्रिया। अब तबीयत कैसी? ठीक। देवी दवा देना भूल गई क्या? अरे हाँ। लेकिन दवा तो मुझे खाने के बाद लेनी है। ये दवा खाने से पहले। हो लीजिए। इसमें तो शराब की बू आती है। बू शराब की है, गुण दवा का है। ठीक है तुम कहती हो तो पी लेता हूँ। माँ कहती है मात्रा में जहर पे अमृत होता है और मात्रा के बाहर अमृत में जहर बन जाता है।